देखो जी, सब तो पहला था मैं बंदी छोड़ दिवस दियां जाने की दिवाली दे इस पावन पवित्र त्यौहार दियां समूह देशवासियों ते पंजाब वासियों मुबारकबाद देना चाहना है। परमात्मा चढ़दी कला रखे समूह पंजाबियों देशवासियों। जितों तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, मेरा ख्याल तकरीबन एक महीने का सफर जिहड़ा वो राहुल गांधी जी ने तय किया है। और 350 किलोमीटर की यात्रा जिस तरह उत्साह मिल रहा है लोगों का प्यार मिल रहा है, और मैं समझता कि लोग की भीड़ उमड़ रही है प्यार देने वास्ते राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मजबूत करने वास्ते, पूरे भारत दे विच एक सुनेहा जा रहा है कि देश के अंदर जो हालात हैं ये यात्रा चलाने की कोशिश क्यों पई, क्योंकि देश के अंदर हालात ऐसे पैदा कर दिते गए भारत नूं तोड़न दीआं गल्लां कीतीआं गईआं, लोकतंत्र नूं तोड़न दीआं गल्लां कीतीआं गईआं। तुहानूं याद होना इस सरकार दे विच इत्थों तक कि सुप्रीम कोर्ट दे जजिस ने आ के भी मजबूरन तौर पर उन्हां नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पई, और जिस तरह के हालात हन अज देश भर दे अंदर किते ईडी किते सीबीआई किते होर एजेंसियां, सो डर दा मैं समझदा कि माहौल है। हर व्यक्ति नूं जिहड़ा आवाज आपदी बुलंद करता है जिहड़ा सच्चा व्यक्ति है उरे मगर एजेंसियां पा दित्तियां जांदियां, सो इस करके भारत जोड़ो यात्रा ए राहुल गांधी ने शुरू की तमाम लोगों नूं नाल लेके, और महंगाई के खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ, और अज पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा दीआं गल्लां हो रहीआं। और मैनूं लगदा किते ना किते बीजेपी नूं इस गल दा डर सता रहा है, और जिहड़ी लोकप्रियता राहुल गांधी की वध रही है, जिवें कि राहुल गांधी नूं यह कहा जांदा सी कि राहुल गांधी जालसी है, राहुल गांधी कुछ कर नहीं सकते, अज देश का कोई व्यक्ति एड्डी वड्डी यात्रा नहीं कर सकता, जिहड़ा 5 बजे उठने वाला व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ के और 6 बजे यात्रा शुरू कर लैंदा और डेली 25 किलोमीटर चलता है। सो मैं समझना कि बहुत वड्डा हुंगारा है, और बीजेपी पार्टी दे विच हलचल मची हुई है, और ये भी आकाशरे लगाए जा रहे हैं किवें ना किवें इस भारत जोड़ो यात्रा नूं रोकिया जावे। कुछ थावां तों तां ये भी पता लग्या है कि जिस तरह पिछले दिन ही राहुल गांधी नूं 8-8 घंटे विजिलेंस 8-8 घंटे ईडी दे दफ्तर बुलाना, श्रीमती सोनिया गांधी जी नूं बुलाना, कि ये साजिश रची जा रही है, ये साजिश रची जा रही है कि किवें इस भारत जोड़ो यात्रा नूं रोकिया जावे। कई लोग तो यह भी कहते कि शायद राहुल गांधी नूं गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सो सानू किसे गल दा डर नहीं है, सानू किसे गल दा भय नहीं है, असी ये कांग्रेस पार्टी है जिन्हें देश की आज़ादी और अखंडता दे लई लड़ाई लड़ी, जेलां भरियां, अंदोलन किते, और ये जिहड़ी पार्टी है ये जेलां चों निकली हुई पार्टी है। साडे जे तुसी पुराना इतिहास फरोलोंगे तो तुहानूं पता लग जाएगा कि जेलां दे विच साडे कांग्रेसी इस परिवार दे लोगां ने रह रह के इस देश नूं इकट्ठा करन लई आपदा वड्डा योगदान पाया, ते उसे तहत ही अज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। असी किसे गल तों डरदे नहीं है, और मैनूं पूर्ण यकीन है जदों ये यात्रा पंजाब दे विच आएगी, जाने कि जनवरी च मैनूं लगदा है यात्रा पंजाब च आएगी, उदों तक एक मुकम्मल माहौल बन चुकिया होएगा, और धूम धाम दे नाल असी 11 दिन की यात्रा पंजाब दे विच वी कढ़ांगे। बीजेपी दे जिहड़े सूबा प्रधान ने अश्विनी शर्मा जी, वह भी पिंडा दे विच लोकां कोले जा रहे हैं, अपनी पार्टी दे बारे विस्तार दे विच दस रहे हैं कि दूसरियां पार्टियां नूं रवायती पार्टियां दस्सी जांदे। देखो जी, बीजेपी वाले किते भी चले जाण, क्योंकि बीजेपी का नकाब हुण उतर चुकिया लोकां दे कोलों, लोकां नूं पता है कि किस तरह के हथकंडे अपनाउंदी है, किस तरह हर प्रदेश देख लो, चाहे जिथे भी जिहड़ियां भी सरकारां जिन्हां भी सरकारां अड अड प्रदेशों के जिहड़ियां बीजेपी अलायंस च नहीं है उन्होंने दबाउण की कोशिश की जा रही है। ये जिन्ना मर्जी बीजेपी के प्रधान किसी घर घर चले जाने, लोग किसान भरा साढ़े जानते हैं, वो बिजली बिल लैके आए हैं, किसान भरा जानते हैं कि पंजाब के हकों को खोण वाली बीजेपी है, आओ दिओ साडा चंडीगढ़ पंजाब नूं, आओ पाणियां की गल करिए, SYL के मुद्दे पर तुसीं चुप क्यों, तुसीं स्टैंड क्लीयर करो। सो मैनू लगता है कि जो मर्जी मुहिम चला लैन, कितने मर्जी घर घर की चले जाने की मुहिम चला लैन, कोई फर्क नहीं पाएगा, बीजेपी का मुकम्मल सफाया पंजाब दे विच रहेगा। बीजेपी तरफों सोनिया गांधी जी ते राजी मतलब कि राहुल गांधी के उपर प्रेशर पाया जा रहा है,
नहीं तुसी देखो ना मुकदमे तो दर्ज किए भी है तादी इनकुआरी करके दस दस घंटे सोनिया गांधी ते राहुल गांधी बुलाया जा रहा है इथों तक ही नहीं वो मनसूबे बनाए जा रहे ने कि किवें राहुल गांधी नू जेल दियां सलाखां दे पिछे सुटना है किवें इस भारत जोड़ो यात्रा नू रोकना है किवें राहुल गांधी दी वध रही लोकप्रियता नू रुकावट लेके आउणी है इस गल दा डर सता रहा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा दे विच ना केवल कांग्रेस हर पार्टी दे लोग हर वर्गा दे लोग जिहड़े कि अज दुखी ने भाजपा दी सरकार तों अज दी सरकार तों ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯਾਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ED ਦੇ ਭੇਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਘੰਟੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਦੋ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਲੇਕਿਨ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਰਿਹਾ 9 ਵਾਰ MLA ਬਣੇ ਔਰ 2 ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ